टूनी अपने पिता विजू, मम्मी मिनी और बहन सुमी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टूनी बड़ी थी और सुमी छोटी थी। टूनी के पिता धोबी थे, सबका कपड़े धोते थे। उससे जो पैसा मिलता था उसी से ही टूनी और सुमी की पढ़ाई भी चलती थी। टूनी थी बहुत सरल और साफ दिल की। दूसरी ओर सुमी थी बहुत जिद्दी और बदमाश किस्म की लड़की। सुमी घर का एक भी काम नहीं करती थी, लेकिन टूनी घर का काम करने में मम्मी का हाथ बटाती थी। पापा के साथ कभी कभी कपड़े भी धो देती थी और मम्मी के साथ दाने ढूंढने भी जाती थी। अरे सुमी, तूने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब मैं क्या पहनूंगी? अरे मैंने कहाँ खराब किया, मैं तो अभी अभी इस कमरे में आई हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने कमरे में आते समय तुम्हें देखा है, तुमने मेरे कपड़े पर कलम से दाग दे दी है। क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों सुबह सुबह? देखो ना मम्मी, सुमी ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। नहीं मम्मी, मैंने नहीं की। अब चुप हो जाओ दोनों। क्या हुआ टूनी, छोटी बहन पर इतना गुस्सा नहीं होते? मैं हूँ ना तुम्हारा धोबी वाला पापा, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा, देखना एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है पापा। मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। मुझे भी दो मम्मी। पापा आप थोड़ा रुके, मैं खाना खाकर आपके साथ आपकी मदद करने चलूंगी। ठीक है बेटी। तब टूनी खाना खाकर अपने पिता के साथ उसके हाथ बटाने चली गई। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। फिर एक दिन हर रोज की तरह विरजू कपड़े धोने के लिए धोबी घाट चला गया। कुछ देर बाद अचानक टूनी की सहेली तोता आकर कहती है, टूनी, ओ टूनी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मम्मी को लेकर तुम अभी मेरे साथ धोबी घाट चलो, तुम्हारे पापा अचानक से बीमार हो गए हैं। तुम ये क्या बोल रही हो, अभी तो कुछ देर पहले ठीक थे, दाना खाकर तो गए थे, कैसे हुआ ये? इतनी बात करने की अभी वक्त नहीं है, तुम चलो पहले। तोता टूनी और उसकी मम्मी को साथ लेकर धोबी घाट गई और देखा उसके पापा घाट के ऊपर पड़े हुए हैं। विजू उठो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मी अभी ये सब का समय नहीं है, पापा को अभी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। टूनी अपने पापा को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल तक जाते जाते बहुत देर हो चुका था। बहुत ज्यादा गर्मी के वजह से टूनी के पिता को स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। विजू के गुजर जाने के बाद उन लोगों के घर की हालत दिन ब दिन खराब हो गया। टूनी ये सब देखकर मम्मी को जाकर बोली, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद घर की हालत बिगड़ती जा रही है, कोई कमाई नहीं हो रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोगों को खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ बेटी, लेकिन करे तो करे भी क्या, पापा जो काम करते थे वो काम मैं करूँगी, मैं अब से कपड़े धोऊंगी। तुम कपड़े धोओगी, क्या तुम ये कर पाओगी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, सुमी अभी बहुत छोटी है, उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मैं कल से ही धोबी घर चली जाऊंगी कपड़े धोने। ठीक है बेटी, अपना ख्याल भी रखना। टूनी अगले दिन से धोबी घाट जाना शुरू कर दी और कपड़े भी धोने लगी। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। टूनी रोज सुबह निकलता था और शाम को धोबी घाट से कपड़े धोकर घर लौट आता था। ऐसे ही एक दिन टूनी धोबी घाट के लिए जा रही थी। अरे टूनी, सर पे इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही है? धोबी घाट जा रही हूँ। तुम धोबी घाट जाके कपड़े धोती हो? हाँ तोता, पापा के गुजर जाने के बाद घर की हालत कुछ ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही धोबी घाट जाकर कपड़े धोने का काम करूंगी, उससे घर कुछ ठीक से चल जाता है। तो कितनी अच्छी दिल
की है रे टूनी, लेकिन तेरी पढ़ाई का क्या होगा? हाँ तोता, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मेरी बहन सुनी पढ़ती है। मैं कपड़े धोकर जो पैसे कमाती हूँ उससे घर और सुमी की पढ़ाई चल जाती है। भगवान तुझे शक्ति दे, तू सही से घर चला पाए, यही दुआ करूंगी मैं भगवान से। अच्छा सुनना, तेरे कपड़े धोने होंगे तो तू बताना जरूर, और किसी को मत देना, मुझे ही देना, थोड़ी कमाई तो होगी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगी। ठीक है तोता, अब मैं चलती हूँ, धोबी घाट जाने में देर हो रही है, फिर कभी मिलते हैं। ये बोलकर टूनी कपड़े धोने के लिए धोबी घाट की तरफ जाती है और तोता अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे टूनी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। अब गांव के सभी टूनी से ही अपने कपड़े धुलाते थे। टूनी सुबह उठकर धोबी घाट जाती थी और लौटने में रात हो जाता था, और सारा दिन की कमाई टूनी अपनी मम्मी को लाकर देती थी। मम्मी टूनी को अपने हाथ से खाना खिला देती थी। ये देखकर सुमी को थोड़ा जलन होने लगा और मम्मी को जाकर बोली, तुम मुझे तो अपने हाथ से नहीं खिलाती हो, पर टूनी को तो रोज खाना खिला देती हो। टूनी सारा दिन धोबी घाट में कितना मेहनत करती है, तुम तो घर में ही रहती हो, फिर भी कभी कभी तो मैं तुम्हें खाना खिला दिया करती हूँ, अब जाके सो जाओ। सुमी को बहुत गुस्सा आया। सुमी हमेशा टूनी से झगड़ती रहती थी। सुमी को लगता था कि मम्मी टूनी से ज्यादा प्यार करती है। एक दिन टूनी धोबी घाट से कपड़े धोकर उसे सुखाकर घर में रखा था, तभी सुमी आकर सारे कपड़े को मिट्टी में गिरा दिया और उसमें मिट्टी लगा दी। ये सब करते हुए उसे उसकी मम्मी ने देख ली और तभी, ये तूने क्या किया सुमी, टूनी ने कितनी मेहनत से कपड़े धोकर रखी थी, तुमने सब बिगाड़ दिया। आप मुझसे ज्यादा टूनी से प्यार करते हो। अरे पागल, तुम जानते भी हो कि टूनी सारा दिन कितना मेहनत करके पैसा कमाती है, और उसने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर पाए, और तुमने उसकी इतनी बड़ी नुकसान कर दी। छी सुमी, मुझे इतना सब नहीं पता था मम्मी, उस दिन टूनी को तुम खाना खिला रही थी, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं ये सब कर बैठी, मुझे माफ कर दो मम्मी, आज के बाद से मैं टूनी से कभी नहीं झगड़ूंगी। ये बोलकर सुमी मिट्टी लगी हुई सारे कपड़े फिर से धोकर सुखाकर रख दी। उस दिन के बाद से सुमी कभी टूनी से नहीं झगड़ती थी, बल्कि टूनी की काम में हाथ बटाती थी और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थी। देवनगर नाम की एक गांव में एक पेड़ में मैना नाम की एक चिड़िया अपने पति बिट्टू और अपनी बेटी टिया के साथ रहती थी। बड़ी ही खुशहाल जिंदगी थी मैना की। परिवार में सब अच्छे से रहते थे। टिया छोटी थी तब मैना और उसके पति बिट्टू ने मिलकर खाना ढूंढने जाते थे और शाम को घर आके तीनों एक साथ खाना खाते थे। टिया और उसके माता पिता एक साथ उड़ने जाते थे। ऐसे ही एक दिन तीनों मिलकर उड़ने गए और जंगल में उड़ते उड़ते चले गए, और कुछ देर बाद एक गोली चलने की आवाज आई। ये कैसा आवाज है? लगता है गोली चल रही है कहीं पे। टिया, तुम दूर मत जाना, मेरे पास पास ही रहना। मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं ना देखी, घूमकर बिट्टू नहीं था। अभी तो यही था, कहाँ गया? बिट्टू, बिट्टू कहाँ हो तुम? टिया और मैना ने ढूंढना शुरू किया और कुछ देर बाद बिट्टू एक पेड़ के नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। जंगल में पंछी शिकारी आया हुआ था, तब बिट्टू को गोली लगी और वो नीचे गिर गया। बिट्टू, ये तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान,
ये मेरा क्या हो गया? टिया बहुत रोई और मैना और टिया ने बिट्टू का अंतिम संस्कार कर दिया। दिन बीतता गया। मैना की खुशहाल जिंदगी बिट्टू के जाने से जैसे बिखर सी गई। मैना अकेले टिया का देखभाल कर रही थी। कैसे भी करके मैना अपने और टिया का पेट पाल रही थी। मानो मैना एकदम से अकेली पड़ गई थी। ऐसे ही करके किसी तरीके से मैना और टिया का दिन गुजारा हो रहा था। एक दिन शाम को मैना खाना पका रही थी, तभी अचानक मैना की एक पुरानी दोस्त मीता रोती हुई मैना के पास आई। मैना, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाएगी? अरे मीता, तुम ये कैसा हालत बनाया है अपनी? ठीक से खाना नहीं खाती हो क्या? मीता रोने लगी। तभी मैना से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे मेरे पति और बेटे ने घर से निकाल दिया है, मुझे बहुत मारा है, मैं इतनी बुरी हो गई हूँ, अब इतनी उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मीता की बात सुनकर मैना को बहुत बुरा लगा। मैना बोली, कोई बात नहीं, दुखी मत हो, तुम आज से मेरे घर में रहोगी। मीता मैना की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और मैना और उसकी बेटी टिया के साथ उस घर में रहने लगी। ऐसे ही दिन बीतता गया। कुछ दिनों के बाद मीता की तबीयत बहुत खराब होने लगी। डॉक्टर भी दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन सुबह मीता मर गई। मैना को इस बात से बहुत दुख हुआ। दूसरी ओर टिया भी बड़ी हो रही थी। मैना ने अब तय किया कि वो उसकी शादी करा देगी और टिया से बोली, टिया बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, मैं भी बहुत बूढ़ी हो रही हूँ, ना जाने कब क्या हो जाए, इससे पहले मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। मेरी शादी हो गई तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा मम्मी? मेरी बात छोड़ो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, न जाने कब क्या हो जाए, कल मर भी सकती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। ये मत बोलो मम्मी, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मैना ने टिया से बात की और देवेश के साथ उसकी शादी तय कर दी। कुछ दिनों के अंदर देवेश के साथ अपनी इकलौती बेटी टिया की शादी करा दी। टिया देवेश के साथ ससुराल चली गई। मैना घर में अकेली पड़ गई। अब तो टिया भी ससुराल चली गई थी। पूरे घर में अब सिर्फ मैना अकेली रहती थी। ससुराल जाते ही टिया ने उसकी मम्मी मैना के साथ बात करना कम कर दिया। जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ बात करती थी। एक दिन शाम को बहुत तूफान और बारिश होने लगी। तभी मैना का घर पूरा टूट गया। मैना भीगती हुई अपनी बेटी के पास गई और बोली, टिया बेटी, दरवाजा खोल, देख तेरी माँ आई है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी रात को यहाँ? बेटी, बारिश और तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया, तो मुझे अपने घर में रहने देगी बेटी? मेरे घर में कहाँ रहोगी मम्मी, छोटा सा घर में मैं और तुम्हारा जमाई तो कैसे भी करके रह लेते हैं, तुम कहाँ रहोगी? माफ करो माँ, मैं नहीं रख पाऊंगी तुम्हें। वाह बेटा, क्या अच्छी बात बोली। अरे, जब तुम्हारा पापा गुजर गया था तब मैंने तुम्हें अकेले ही बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए? तुम अपने दोस्त के घर जाओ ना माँ। मैना रोती हुई चली गई। मैना जाकर अपनी मरी हुई दोस्त मीता के घर के शौचालय में गई। वहां बहुत बदबू थी, लेकिन क्या करे, मैना बेचारी भी मजबूर थी, उसे कोई रहने की जगह कहीं नहीं मिली। मैना ने शौचालय को थोड़ा साफ किया और वहीं रहने लगी। मैना सोचती रही, हे भगवान, कैसा दिन देखना पड़ रहा है आज, जिस बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही मुझे अपने घर में नहीं रहने दे रही है। ये सोचते हुए मैना बहुत रो पड़ी। कैसे भी करके मैना शौचालय में ही रहने लगी। एक दिन मैना की तबीयत बहुत खराब हुई और शौचालय की बदबू से मैना का दम घुटने लगा और वो वहीं मर गई। यह खबर मैना की बेटी टिया के पास गई और टिया पागलों की तरह रो पड़ी।
और कहने लगी, मेरी माँ मर गई। देवेश, तुम्हारी बातों में आकर मैंने उस दिन रात को मम्मी को अपने घर में नहीं रहने दिया और आज मेरी माँ मर गई। मुझे माफ कर दो टिया, मैंने ये नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ मर जाए। अब सोच के क्या फायदा, मेरी मम्मी तो लौट के नहीं आएगी ना। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कह के तुरंत अपने मम्मी के पास गई। देखी, मैं ना मरी पड़ी हुई थी। मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आपकी देखभाल नहीं कर पाई। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। टिया को ये सब बातें जब समझ में आई तब बहुत देर हो चुकी थी। काश उस दिन टिया ने अपने मम्मी को अपने साथ रख लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता।